फर्स्ट इतना बड़ा साइज देखना है। इससे पहले देखा है क्या आपने? नहीं नहीं, नहीं ना, तो एक किलो वाला आपने शायद नहीं देखा होगा ना। एक्चुअली फर्स्ट देखना है, पहली बार देखा ना आपने? हाँ, मैं भी एक्चुअली पहली बार देखा, मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा है कि एक किलो का भी ड्रैगन फ्रूट होता है करके। एक एकड़ 0.5 ये एरिया है, एक एकड़ 0.5 ये 22 टन हो गया, इसीलिए ये 20 संदेश मिठाई ये अलाउद्दीन भाई खिलाया, आप लीजिए ये। नाव नाव खड़े रहो, खड़े रहो। ये 22 टन होने के बाद संदेश नहीं खाइए। सत्ताईस नवंबर ये अलाउद्दीन भाई है, इंडिया में फेमस गार्डन है, तो ये आज हार्वेस्ट, ये 5 क्विंटल हार्वेस्ट होता है, वो जो लेने वाला है ये मिदनापुर से आया, ये 5 क्विंटल लेना है, और तो बहुत खेती में फल धरा है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवराज है, मिदनापुर से। मिदनापुर से तो ये जो आदमी आए, बहुत फ्रूट यहाँ पे वो खरीद के लेके गया। ये एक्चुअली आप कहाँ भेजने वाले इसको? ये पूरा मिदनापुर में जाता है, और लोकल में या शॉपिंग मॉल पे बेचते हैं? हाँ, लोकल में बेचते हैं। लोकल में? हाँ। जैसे कितना रेट में आप बेचते हैं वहाँ पे? ये 200 तक चला जाएगा, 200 अभी तो, अभी तो 200 चलता है, लेकिन दुकान वगैरह को देते हैं लोकल दुकान? हाँ, लोकल शॉप में जाता है, और उधर से झारखंड भी जाता है। झारखंड भी जाता है? झारखंड, इधर हल्दिया और इधर कोलकाता। ओके। हाँ, शॉपिंग मॉल वगैरह को भी देते? नहीं, शॉपिंग मॉल को नहीं देते, नहीं, लोकल मार्केट, उनका अलग, उनका एक अलग चैनल है, तो वो वही से लेते हैं, वो हमसे नहीं लेते। पैकेजिंग कर दीजिए। तो मार्केटिंग में कुछ दिक्कत होता है कि आपको लेके? नहीं, अभी तो मार्केट में बहुत डिमांड है, अभी तो हाँ, जैसा डिमांड है प्रोडक्शन अभी नहीं है, सप्लाई नहीं है, सप्लाई अभी नहीं है। जैसे मैं एक दिखाने वाला हूँ, एक बड़ा वाला था ये, देखिए मैं दिखा रहा हूँ। जहाँ तक मैं मुंबई, दिल्ली या अलग अलग जगह पे, जैसे तेलंगाना, हैदराबाद जाता हूँ, तो वहाँ पे इससे भी छोटा रहता है। ये मोरक्कन रेड वेराइटी है ना? मोरक्कन, तो इससे भी छोटा रहता है, ठीक है? तो लोग एक किलो में मीन से 1-2-3 आ जाएगा तो ले लेते हैं, बट मैं जहाँ देख रहा हूँ ये 1 किलो का है, तो किस टाइप का, मतलब जो कस्टमर रहते हैं? एक्चुअली ये ना एरिया बेसिस से चलता है, ठीक है, एरिया बेसिस में चलता है, क्योंकि कुछ लोग हैं, उनको लगेगा, उनको लगता है कि ड्रैगन जो है वो बड़ा होता है, और छोटा फल में कुछ नहीं मिलता, ठीक है, तो उनको बड़ा चाहिए। और कुछ लोगों को वो टेस्ट करना है, वो तो एक फल तो 600 रुपए में आ जाएगा, तो कुछ लोगों को बस मुझे टेस्ट करना है, तो कम, हाँ, छोटा वाला लेते हैं। तो ये एरिया बेसिस में चलता है, जहाँ पर सब जगह एक नहीं चलता। रेगुलर बेस में अगर डिमांड बोलेंगे तो कितना? तो मीडियम साइज ही चलता है, वो 300 से 400 रहता है ना, वो उसका डिमांड ही चलता है। और गुड हार्वेस्टिंग के लिए ये 1 किलो वाला रहेगा तो अच्छा है। हाँ, वो तो इनको ज्यादा अच्छा लगेगा क्या वो फल ये डाला है ना, वही शादी का डाला लगाना है, तो डाला लगाने के लिए बहुत बड़ा चाहिए। अच्छा, ये 1 किलो? हाँ, ये डाला वाला वो बहुत, थोड़ा एक बार दिखाइए ना, देखिए। पहले जीरो होना दी, देखिए भाई जीरो, अभी ये जीरो है, ये जीरो है, दीजिए एक टू दीजिए, देखिए एक एक किलो 130 ग्राम है, एक एक फुट। फिर आप दूसरा रखिए, 935 ग्राम। ओके, ये दोनों को निकाल दीजिए, इसको रखिएगा, ये छोटा वाला है, मींस ऑन एंड एवरेज है ये तो 500 ग्राम, मीन्स एवरेज 500 ग्राम तक आता है। ये डॉन टॉनिक है, वो देखिए, वही टॉनिक वाला है, देखिए, ये डॉन का कमाल है, वही टॉनिक का कमाल है। ये टॉनिक है क्या? ये टॉनिक है। ओके, ये देखिए, ये टॉनिक देने के बाद ये फ्रूट ऐसा बड़ो होता है, ये ऑक्सीजन हार्मोन है, ये फ्रूट ये सेल पे ऑक्सीजन है, ये बाहर से वो देना है, इसीलिए कोई पॉइजन नहीं है। तो ऐसा ऐसे साइज हो जाता है, ये बहुत बढ़िया ड्रैगन फल का जो गार्डन वाला है, ये उनका ये आशीर्वाद है। ये कितना मेटल अभी हार्वेस्टिंग हुआ है आपका? ये देखिए, अलाउद्दीन भाई ये मालिक है, ये 22 टन, ये एक एकड़ समथिंग एरिया 22 टन हो गया, इसीलिए 22 ये संदेश खिलाया। अच्छा,
इसीलिए यह संदेश अभी है। यही साल वो टोटल हार्वेस्ट है 22 टन। हाँ, एकड़ से समथिंग है। पहले साल 20 टन एक एकड़ में हुआ, पहला ईयर। बात को कितना हुआ है अभी? बात तो ये जा देखिए, फर्स्ट हार्वेस्ट किया। नहीं नहीं, कितना साल हो गया बाघ को अभी? बाघ तो एक साल हुआ, 15 जुलाई आपका 2021 साल। Okay. एक साल हो गया। Okay. एक साल तीन महीना। Okay. और ये देखिए 21 फरवरी आने के बाद डेढ़ साल हुआ है। ये फर्स्ट ज्यादा हार्वेस्ट है यही साल है। ओके, आपने बोला 22 टन कंप्लीट हो गया। अगर ऑन एंड एवरेज अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे एवरेज रेट है, कभी मार्केट में हाई जाता है, लो जाता है। अभी 180 कुछ दिन पहले 140, अभी 180, ये 150 एवरेज चल रहा है। किसान भाई है, उनकी मुंह से ही सुनना चाहता हूँ थोड़ा। ये किसान भाई, ये अलादीन भाई, इनके तो एक्चुअली आपका जो हार्वेस्टिंग किया है आपने, शुरुआत में क्या रेट था और अभी की टाइम पे क्या रेट? शुरुआत में 280 था, शुरुआत में पहला में थे। ओके, और कुमते कुमते 120 आबार এখন উঠতে উঠতে 180। ओके, मींस अप एंड डाउन रहता है। हां, अप एंड डाउन रहता है। एवरेज 140 50 है। लीची मैंगो होता है, मतलब बाजार डाउन हो जाएगा। डाउन होता है मैंगो, ऑल आदमी वो मैंगो खाता है, लीची खाता है, जैकफ्रूट खाता है, ये ड्रैगन नहीं खाता है। मींस फ्रूट जब भी खत्म हो जाता है उसके बाद फिर ये उनके पेट डिमांड बढ़ता है। पहले जब मैंगो टंगो नहीं था तो 230 था। ओके, 200 था। मैंगो आ गया तो वो धीमे पड़ गया। okay. वो 130 आ गया। okay. 20 आ गया। okay. जब मैंगो खत्म हुआ तो 200 हो गया। okay. एवरेज 150। okay. आप मानते चलो 150 गौर, ये 30 पूछिए कितना पैसा हुआ, उनके पूछिए। एक्चुअली आपको रियल में जेन्युइन रिव्यू बताइए कि अभी तो आपने जो बोला कि 22 टन हार्वेस्टिंग हुआ है। हाँ। उसमें आपको ऑन एंड एवरेज अगर बोलेंगे तो कितना तक आपका सेलिंग प्राइस हुआ है? 140 है, पर टोटल अगर 20 टन का होगा तो कितना होगा आपका? आप अभी तक कितना लाख? 28 लाख 30 लाख हो गया। 28 लाख से 30 लाख तक सेल कर चुके हैं। और आपका शुरुआत खर्चा क्या आया था एक्चुअली? 5 बीघा थे, 25 लाख खर्चा हो गया। शुरुआत के फल ने 25 लाख हो गया। नहीं नहीं, खर्चा कितना हुआ था शुरुआत में आपका? शुरुआत में जमीन को प्रिपरेशन करने के लिए या पौधा या आपका जो भी है, 25 लाख हो गया। सार मार दिया 25 लाख। अच्छा, 25 लाख से आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है शुरुआत में, है ना? शुरुआत में तो पहला साल में ही आपने रिकवरी कर दिया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो पे आपको ड्रैगन फ्रूट के बारे में काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर फिर भी और भी आपके मन पे कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते। जो किसान भाई है और जो हमारा उपेंद्र जी है, वो दोनों आपको रिप्लाई देंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। वीडियो पे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।